तैयारियाँ जो अभी चल रही हैं, ये वॉन्टॉन्स फ्राई हो रहे हैं, तो फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे मैक्रोनी रेडी है एंड ये हैं छोले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हर व्लॉग्स। दिस इज़ अधिका हसन एंड टुडे इज़ 7th of May और आज मैं अपने इन-लॉज के साथ आई हूँ फतेह फैमिली पार्क। आज हम लोगों का काइंड ऑफ अ पिकनिक डे है। बच्चों को पार्क्स में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि बच्चों को पार्क लेके जाएंगे, वो लोग इन्जॉय करेंगे और साथ साथ हम लोग भी इन्जॉय कर लेंगे। तो बस जाके पहले हम लोगों ने थोड़ा बॉल टाइम इन्जॉय किया, बच्चों के साथ खेला बॉल से स्पेशली मैंने, और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अपना रिफ़्रेशमेंट इन्जॉय किया, जो एक्चुअली इतना एंजॉय नहीं किया था। बच्चे बहुत तंग करते हैं टू बी ऑनेस्ट, वो बैठने नहीं देते। तो खैर, फिर उसके बाद हम लोग स्विंग्स देखने गए। पहले सारे मैं पहले काफ़ी बार आई हुई हूँ फतेह पार्क में, लेकिन यहाँ पे इस बार यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू स्विंग्स लगाए उन्होंने, तो मज़ा आ रहा था देखने में। अच्छे अच्छे स्विंग्स लगा दिए हैं, पहले से अच्छा कर दिया पार्क। जो लोग जाते रहते हैं उन्हें पता होगा, और जो नहीं गए हैं आई रिकमेंड कि आप लोग चले जाएँ, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप वहाँ पर जाके। सो या उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि अब हमें राइड्स देनी है, क्योंकि मुझसे वेट बिल्कुल नहीं हो रहा था। उमर के साथ मैं भी एंजॉय करती हूँ पार्क्स में बहुत। सो या सबसे पहले हम लोगों ने ये डॉल्फिन वाली राइड ली, ये बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया इसमें। इसके बाद सेकंड राइड जो थी वो थी हमारी ट्रेन राइड, और इसमें पहले भी जब हम लोग सब मिलके इकट्ठा आए थे तब हम लोग बैठे थे, और इस बार फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ये ट्रेन राइड लेंगे। तो हम लोगों ने फिर ये ट्रेन राइड इन्जॉय की, और फिर हम बच्चों को लेके गए जो अंदर बच्चों का स्पेशली स्पेसिफिक यू नो प्ले एरिया टाइप बना हुआ होता है वहाँ पे, और वहाँ पे ये बॉल एरिया एक होता है जिसके आपका 100 रुपीज़ टिकट था और 15 मिनट्स आपको वहाँ मिल रहे थे। तो हम लोग वहाँ गए उमर को लेके, वहाँ बहुत मज़ा आया। फिर बच्चों को और स्विंग्स इन्जॉय करवाए, यहाँ पर सारे बच्चों के स्विंग्स थे, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत थी। अंदर जो है ना वो थोड़ा सा यू नो एग्जॉस्ट सिस्टम कुछ करना चाहिए इन्हें, गर्मी बहुत ही अंदर वाले एरिया में। खैर, फिर बाहर आके मुझे आते ही दिख गया चांद। में जब से आई थी मैं और उमर चांद ढूंढ रहे थे और हमें चांद नहीं मिला था, मतलब हम कहते कहाँ है चांद, पूरे इतने बड़े खुले आसमान में हमें चांद नहीं मिल रहा था। सो फाइनली जाते जाते, मतलब जाने से थोड़ा पहले हमें चांद दिख गया। सो वी वर सो 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 हैप्पी एंड एक्साइटेड। और चांद आज कुछ अलग सा ही लग रहा था, कैमरा मेरा अच्छा नहीं काम कर रहा था, इस वक्त मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन ऐसा लग रहा था सिर्फ एक पिक्चर लगी हुई है वहाँ चांद की, बिल्कुल नकली लग रहा था वो। बट या ऐसे ही फिर हम लोगों ने एंजॉय करने के बाद वापस जाने का तहैया किया मतलब हम लोग बाहर जाने लगे वापस, और फिर हम लोग बाय द वे हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, और आज बहुत मज़ा आया। फिर घर जाने के बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने मूवी सीन प्लान किया, और हम लोगों ने मिली मूवी देखी, क्योंकि वो फैमिली मूवी थी, आप फैमिली के साथ देख सकते थे। मैंने पहले से देखी हुई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी पहले से देखी हुई थी, मज़े की बात है, लेकिन स्टिल बाकी सब ने नहीं देखी थी, तो हमने सोचा कि यही मूवी लगा लेते हैं, और कोई समझ नहीं आ रही थी। तो हम लोगों ने दोबारा से मिली देखी, और मुझे उसामा की बहुत याद आई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं मम्मा के घर रुकने आई हुई थी तो उसामा आया हुआ था पेशावर से, और हम लोगों ने मिल के ये मूवी रात में जाग के देखी थी। सो उसामा के साथ मैंने बहुत मस्ती की थी, और हम लोग एक्चुअली बहुत मस्ती करते हैं साथ में। सो आई वॉज रियली मिसिंग हिम, एंड जस्ट इमेजिन अगर कभी आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो क्या करेंगे। आई वॉज टेलिंग हसन के, हसन अगर मैं कभी ना मिलूँ तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, डायरेक्टली ऐसी जगह पे आके चेक कीजिएगा। एंड हियर्स टू आवर नेक्स्ट डे, आज हमें पापा की एनिवर्सरी, बेसिकली कल थी, कल दावत में गए थे सब, तो हम लोग आज उन्हें सरप्राइज़ दे रहे हैं। कबाब चीज़ से हम लोगों ने केक मंगाया था, हमें के लिए गच्चे मंगाए थे, एंड दैट्स ऑल। केक बहुत यम्मी होता है कबाब चीज़ का, आई लव्ड इट। बस अल्लाह ताला अम्मी पापा को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। हियर अम्मी पापा मीन्स मेरे सास ससुर, लेट मी क्लियर। ओके जी, तो बस यही था, छोटा सा व्लॉग था, मैंने सोचा इतना ही रखते हैं इसको, फिर नेक्स्ट व्लॉग आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो बस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।